नमस्कार, लेकर आए हैं आपको हिंदी ग्रामर में आज काल, मतलब इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं। हम आपको बताएंगे काल क्या, किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। बेसिकली काल से किस संदर्भ का भाव का, किस संदर्भ जैसे भाव का भाव व्यक्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि काल क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले हमने बहुत तरह का कंसेप्ट मैंने दिया है, जैसे क्रिया क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, है ना, संज्ञा सर्वनाम, ये सब चीज़ों का जानकारी मैंने दिया है। लिंक सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण पढ़ाने का एक उद्देश्य है आपके अंदर शुद्धता लाना। अच्छी क्वालिटी का विकास आपका तभी होगा जब आपका जो है अच्छी क्वालिटी के अंदर गुणवत्ता के साथ आपका जो है लिखावट इम्प्रूव हो, माने लिखावट शुद्ध हो। बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत तेज तराज आदमी, मतलब कभी कभी क्या होता है उसकी शुद्धता के चलते, यानी कि उसमें अशुद्धता आ जाने के चलते उसकी क्वालिटी कहीं बिखर जाती है। इसलिए हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सुंदर बनाना है। हिंदी व्याकरण बड़े ही मस्ट है जहाँ पे हिंदी लिखाई लिखावट होती है। शुरू करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं काल। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बट काल मतलब टेंस मतलब होता क्या, जो समय की जानकारी देता हो, बस समय को जो जानकारी देता है उसको काल कहते हैं। नहीं कहते हैं लोग बस काल आपका आ गया है, माने समय आपका आ गया है, अब जब आपका जो है यहाँ से पर्ची कट जाएगा, समझा गया। तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम लोग काल कहते हैं। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से, एक दो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे मैं खा रहा हूँ, समय का बताया जा रहा है, मैं इस समय जा रही हूँ, खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, वर्तमान में की बात है, मैं खा रहा था भूत की बात है, मैं खाऊंगा आने वाला भविष्य। एक तरह से एक ही वर्ड खाने वाला काम तीन कैटेगरी में, वर्तमान में भी, भूत में भी और भविष्य में भी, तीन। देखिए अब ये तीनों को नामकरण कौन कर रहा है, तीनों को, ये खाने वाला तीन स्टेप है और तीनों को नामकरण जो कर रहा है इसी को हम लोग काल बोलते हैं। अब तीन स्टेप को बता रहा है कि मैं खाता था, है ना, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँ, मैं खाऊंगा, तीनों को स्टेप बताता है अलग अलग स्टेप में। तो इसको, ऐसे वर्ड को हम काल कहते हैं। आइए हम आपको बताऊंगा कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के बेसिकली तीन भेद होते हैं, सुनिए ध्यान से, काल के तीन भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कहिएगा वर्तमान काल किसे कहते हैं, आइए आपको बहुत प्यार से एकदम दो तीन स्टेप में आपको क्लियर करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। वर्तमान काल जिससे वर्तमान समय का बोध हो उससे वर्तमान काल कहते हैं। कहिएगा किस तरह पता चलेगा कि वर्तमान काल हो रहा है, तो मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में ता है, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा कहिएगा यदि ता नहीं रहेगा तब क्या होगा, वर्तमान नहीं होगा, नहीं नहीं पहले सवाल तो समझिए। जिससे वर्तमान समय का बोध हो, काम किसी मूड में हो लेकिन हो तो वर्तमान में ही हो, किसी मूड में हो। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूँ, वर्तमान समय में मैं खेल रहा हूँ, वर्तमान में ही न हो रहा है, काम जारी है बट लेकिन हो तो रहा है वर्तमान में। मैं खा चुका हूँ, ये भी तो वर्तमान में, मैं खाता रहूँगा तो सॉरी ये तो होगा ही नहीं। और मुझे लगता है कि कोई भी काम जो वर्तमान में हो रहा है, चाहे वो जारी हो, चाहे वो पूरा हो गया हो, आज चाहे वो अब शुरू होने वाला हो, तो ऐसे बात को दिखाने के लिए हम लोग वर्तमान काल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं भूतकाल का, जो बीते समय में हुए काम को बताता है, बीते समय में जो काम हो गया है उसकी जानकारी जो देता है उसको भूतकाल कहते हैं। कहिएगा एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो ले लीजिए इसका एग्जाम्पल, उसने लिखा, बहुत पहले उसने लिखा था, नहीं दादी मेरी कहानी सुनाती थी, दादी अब वहीं नहीं रही, ठीक ना। तो उसने लिखा, वह लिख रहा था, बहुत पहले समय की बात है। तो ऐसे वर्ड को जो क्या करता है, इंडिकेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। आइए हम आपको बताते हैं भविष्य काल किसको बोलते हैं। तो इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। कहिएगा मज़ा नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल दीजिए, ले लीजिए। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। कैसे, लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप पढ़ेंगे, आने वाला भविष्य की बात है, मैं लिख चुकूँगा भविष्य की बात है। तो इसमें हमने आपको यही मेंशन किया कि आप कोई भी काम यदि भविष्य में करेंगे तो भविष्यत काल होता है, जो भूत में होगा।
भूतकाल होता है जो वर्तमान होता है उसको वर्तमान काल। नॉर्मली ऐसे ही डिफिनीशन दिया जाता है। हमने अलग अलग एंगल से आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया है। आप इस वीडियो को रोक रोक करके एक दो बार देखेंगे, बिल्कुल मज़े में समझ में आ जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक पर क्या ज़्यादा बात करेंगे, आइए आगे देखते हैं। अब वर्तमान काल को पकड़ेंगे और वर्तमान काल के हम लोग भेद बताएंगे। तो वर्तमान काल के तीन भेद हो जाते हैं, सामान्य वर्तमान काल। अब इसके बारे में पहले मेंशन कर लेते हैं, जिससे वर्तमान समय में किसी कार्य की करने की आदत या स्वभाव का बोध हो। कोई काम वर्तमान समय में होने का बोध होता है ना, या आदत या स्वभाव का बोध हो, उसको हम लोग सामान्य वर्तमान कहते हैं। कहिएगा कि आदत या स्वभाव होता क्या है, दो मिनट खामोश करिए, बस दो सेकेंड। जैसे मैं रात में रोटी खाता हूँ, ये बंदे का आदत है। कुछ लोगों का आदत होती है कि रात में ही रोटी खाएंगे, और कुछ लोगों का आदत है कि रात में भात खाएंगे, चावल खाएंगे। समझा क्या? तो आदमी की एक आदत होती है। जैसे कुछ लोग हैं रात को जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक उनकी खाना पूरे नहीं होगा, तो उनकी आदत है। जैसे कुछ लोग हैं जब तक दूध नहीं लेंगे तब तक उनको खाने लगेगा कि मैं खाना ही नहीं खाया हूँ, तो वो उनकी आदत है। तो जो आदत को बताता है, उनके स्वभाव को बताता है कि मैं यही चीज़ खाऊंगा, तो ऐसे काल को हम लोग सामान्य वर्तमान कहते हैं। एकदम ज़बरदस्त, इससे फंटास्टिक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एकदम मज़ेदार है। अगला कंसेप्ट देखिए, अगला टाइप तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो इससे वर्तमान में किसी काम के लगातार जारी रहने का बोध होता है। वर्तमान में तो है लेकिन जारी हो, जैसे मैं रोटी खा रहा हूँ, काम जारी है, इसमें मैं रोटी खाता हूँ, इसमें काम खाता हूँ, माने तत्काली है लेकिन इसमें जारी है। तो जारी है तो तत्कालिक हुआ, ये तो स्वभाव है तो ये तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। तो ये जारी है इसलिए तत्कालिक। अब आइए हम आपको बताते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इससे वर्तमान समय में होने वाले काम में संदेह या अनुमान का बोध होता है। नहीं, लोग कहते हैं अनुमान है कि आज बारिश लगता है आ जाएगा, जैसे लोग कहते हैं आज अनुमान है कि वो आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, लेकिन फेल भी हो सकता है। जैसे वह पढ़ेगा, अनुमान है, हो सकता है कि वह आएगा पढ़वो नहीं करेगा, बैठ जाएगा नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, तो वह पढ़ेगा, इसमें शक की बात है। जैसे वह जाएगा, कहा गया है, हो सकता है कहीं उसका मूड बना है नहीं जाएगा, कहेगा ना हम आज नहीं जाएंगे, तो ऐसे बात मतलब जिसमें संदेह की बात हो अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बातों को हम लोग जो वर्तमान समय में मेंशन करते हैं उसको हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको सबसे बेस्ट, सबसे सुपीरियर और सबसे बेहतर, इससे ज़बरदस्त नहीं हो सकता है। मैंने बहुत अच्छे से क्वालिटी युक्त आपको, अच्छी क्वालिटी के साथ मैंने आपको टॉपिक समझाने की कोशिश किया। फिर भी कोई किसी प्रकार की शिकायत सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। और ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।